हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पर। और आइए आज एडजेक्टिव को हम डील करेंगे, और ख़ास तौर से ये बुक केडी कैंपस की है, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट की है। जिस भी नाम से आप जानते हैं उस नाम से इसको संबोधित कर सकते हैं। और इसके पहले एसपी बख्शी बुक से हम लोगों ने एडजेक्टिव के टॉपिक को कवर अप कर रखा है। क्लियर? तो अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट पाना चाहते हैं तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज को शेयर करिए, जैसे बाकी भी टॉपिक मुझे स्मूथ तरीके से लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टॉपिक देख लीजिएगा कौन सा है। टॉपिक आपका है एडजेक्टिव, किस बुक से कर रहे हैं सर? केडी कैंपस, केडी कैंपस, या फिर आप इसी को फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से पहले चलते थे। क्लियर? तो आइए डायरेक्ट विदाउट डिले किए हुए हम डायरेक्ट चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। दिस इज आर फर्स्ट सेंटेंस, और देखिएगा इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है अनुराग इज एक्लिप्स्ड, ठीक है, बाय हिज वाइफ। क्लियर? अपनी वाइफ के द्वारा एक्लिप्स्ड है। हु इज क्लेवरर, जो बहुत ही ज्यादा क्लेवरर है, एंड अम्यूजिंग देन ही इज। क्लियर? अब एक बात समझिए, एंड है, एंड के फंक्शन आप जानते हैं आसान आसान भाषा में, कि एंड जो होता है ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा कभी पार्शियलिटी नहीं करता है ना। वर्तमान समय के जो जज हैं, जो अम्पायर हैं, क्लियर, जो अथॉरिटीज हैं, वो पार्शियलिटी कर सकते हैं, लेकिन ये कैसा है, ये बिल्कुल 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 पूरी तरीके से ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करता। मतलब अगर इसके पहले अगर आपने पॉजिटिव डिग्री लगाई है तो बाद में भी क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। पहले कंपरेटिव लगाया है तो बाद में भी सर क्या आएगा, कंपरेटिव आएगा। या फिर अगर आपने पहले सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया है तो सर बाद में भी कौन सी डिग्री आएगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आप ये कई ये क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पहले क्लेवरर लिखा हुआ है बच्चा, और इसके बाद अम्यूजिंग लिखा हुआ है। अम्यूजिंग पॉजिटिव डिग्री है, और चाहो तो आप यहाँ पर क्लेवर लिख लो और चाहो तो यहाँ पर मोड़ लगा लो, लेकिन दिक्कत क्या करेगा, प्रॉब्लम ये करेगा देन, और यही डिसाइड करेगा यहाँ पर क्या लगना है। तो देन लगा हुआ है इसका मतलब ये क्लेवरर तो रहेगा, और यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसको भी कंपरेटिव बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा मोर अम्यूजिंग। मोर क्यों लगाया, क्योंकि इसके पहले एंड के पहले कंपरेटिव था, और एंड के बाद भी हमें कंपरेटिव बनाना पड़ेगा, इसलिए अम्यूजिंग का जो कंपरेटिव होगा वो होगा मोर अम्यूजिंग। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपियंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। क्लियर? ये देखिएगा, अगर आपने ये छोटे से पॉइंट पढ़े हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सारे ऑर्डिनल। लेकिन अगर नंबर की बात करें 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, ये बच्चा कॉर्डिनल होते हैं। ठीक है, को ऑर्डिनल होते हैं ये कह सकते हो आप। तो एक बात यहाँ पर समझनी है, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल इनमें आप करते हो क्या, पोजिशनिंग कैसी होती है, पहले आता है आपका आर्टिकल द, उसके बाद क्या आता है ऑर्डिनल, देन आता है आपका कॉर्डिनल। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है को ऑर्डिनल। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है, और ऑर्डिनल से पहले क्या करते हो, आर्टिकल द लगाते हो, इसलिए यहाँ पर द का होना मस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, टू फर्स्ट लिख रहा है, ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टू। क्लियर? तो राइट आंसर द फर्स्ट टू टू अराइव। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स, बिलियन ऑफ द स्टार्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टार्स है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, STARS होगा, STAR, स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। क्लियर? हाउ मच लगा रहा है, कह रहा है आर सुटेबल फॉर लाइफ, कितने लाइफ के लिए सुटेबल हैं ये कहना चाह रहा है। तो ये लगा किसके लिए रहा है, इसके लिए। और स्टार कैसा है सर, काउंटेबल नाउन है, और हाउ मच या हाउ मैनी क्या यूज कर पाओगे आप, तो काउंटेबल नाउन के लिए आप क्या लगाते हो, हाउ मैनी लगाते हो। तो इस हाउ मच को रिप्लेस करना होगा सर किससे, हाउ मैनी से। तो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, दिस इज आर करेक्ट आंसर। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली, कुछ ही वर्ड आपके ग्रेटिट्यूड को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जरूरी है, ठीक है, पर्याप्त है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए आप फ्यू, एक बात समझिएगा, देखो ये टर्म आप पढ़ चुके हो, फ्यू है,
फ्यू है सर, आ फ्यू है, और इसी तरीके से एक टर्म होता है हमारा कौन सा, द फ्यू। और सर ये किसके साथ यूज होते हैं, ये किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। और वो काउंटेबल नाउन सर कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि इनका नंबर जो होगा वो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, तो आ फ्यू वर्ड्स होगा, आ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्लियर। तो राइट आंसर विल बी आ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है ये आपका। देखिए ही फील्स हिज ट्रबल्स, क्लियर, एज मच आर। और देखिए एक बात सिंपल सी आप समझिएगा, देखो अगर आर से 2 डिग्री कनेक्ट कर रहा है, इसके पहले 1 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, ठीक है, तो अगर पहले पॉजिटिव लगा रहे हो तो बाद में कंपरेटिव हो सकता है, या पहले कंपरेटिव लगा रहे हो तो बाद में पॉजिटिव हो सकता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, इसने और लगा रखा है और इसके बाद मोर के साथ देन लगा रहा है, इसका मतलब कंपरेटिव डिग्री पूरी कंप्लीट है, इसका मतलब एज मच केवल लिखा है, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है, इसको क्या करना चाहिए, एज मच एज। डिग्री कभी भी इनकम्प्लीट नहीं करेंगे। इसी तरीके कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया था इफ नॉट के साथ, अगर आपको याद रहा हो तो, इफ नॉट के साथ भी मैंने बताया था, हो सकता है कि पहले पॉजिटिव हो बाद में कंपरेटिव, हो सकता है पहले कंपरेटिव बाद में पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि डिग्री विल बी कंप्लीटेड, है ना, डिग्री जो है वो पूरी तरीके से कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आपका टेंशन चाहता हूँ। क्या कह रहा है, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, मोर देन किससे ज़्यादा, टू प्ले गेम्स, क्लियर। एक बात बताओ ये कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन किसका कर रहा है सर, रीडिंग का, और किससे कर रहा है, टू प्ले का, गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, प्लेइंग होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बच्चा प्लेइंग, क्लियर। तो टू प्ले की जगह क्या होना चाहिए, प्लेइंग। तो आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है, क्लियर। मोर देन प्लेइंग, प्लेइंग गेम्स मतलब गेम खेलने के बजाय मुझे रीडिंग ज़्यादा पसंद है। तो देखो यहाँ जीरंड बना रहे हो ना, ये जीरंड बना रहे हो, तो जीरंड की कंपैरिजन के लिए भी आपको अगला टर्म जो लिखना पड़ेगा वो भी क्या लिखना पड़ेगा, जीरंड लिखना पड़ेगा। जीरंड मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने लगे, ठीक है। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए डिटरमिनर और एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये देखिए वो है क्या कि डिटरमिनर जो होता है ना वो भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है, बस ये बात समझ लीजिए, ये डिटरमिनर है ये एडजेक्टिव है, दोनों के बीच में ये फिगर है। तो कारण क्या है कि बहुत सारे जो ऑल द डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव, सभी के सभी जो डिटरमिनर होते हैं वो एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, क्लियर। तो इस कारण से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिटरमिनर के मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव के मिलेंगे। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक, ट्रैफिक वर्ड कैसा है सर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं सर, मच लगाते हैं, क्लियर। तो मैनी लगाते हैं, आप जानते हो मैनी का यूज किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, मैनी इज यूज विथ काउंटेबल नाउन, बट मच इज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, मच इज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होल्डर्ड सुगर। देखिए सुगर कैसा है सर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ इसने डिटरमिनर लगा रखा है अ लार्ज नंबर ऑफ, ये डिटरमिनर लगा रखा है सर, क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ। एक बात बताओ, दो डिटरमिनर मैं आपको लिख रहा हूँ, दोनों के बारे में आप बताइएगा क्या बता सकते हो। एक डिटरमिनर मैंने लिखा अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, कौन किसके साथ यूज होता है ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, कौन किसके साथ यूज होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। अगर दोनों की बात करें तो देखो क्वांटिटी वाला तो हमेशा किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और जो नंबर ऑफ वाला है, जो नंबर ऑफ वाला है वो किसके साथ आएगा, वो आएगा सर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है, बस इतनी बात ध्यान देनी है। तो देखो यहाँ सुगर क्या है, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो लार्ज नंबर ऑफ नहीं, यहाँ पर आप कर दीजिए लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, क्लियर। या फिर पूरे को रिप्लेस करना हो तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, आई ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इज अ ड्रामेटिस्ट, सा इज जो सा है वो सुपीरियर है, और आप जैसे यहाँ पर पहुंचे आपको मिल गया कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में आई आर लगता है सर, उनके साथ क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनको जो आई आर में फिनिश होते हैं उनके साथ टू का यूज करते हैं, तो देन नहीं आएगा, देन की जगह क्या आएगा बच्चा, टू आएगा, क्लियर। तो आई होप होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद करता है, आप द टू ग्रेट सिटीज, आप द टू ग्रेट सिटीज, दो जो बड़े
शहर है द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अब दो के लिए क्या करते हैं सर, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, कंपरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, क्लियर। और वैसे भी यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल द बिगर, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगर, क्लियर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिगर। और देखिए जब भी सिलेक्शन की बात होती है तो ऑफ लगाते हैं, और उस केस में दो के लिए सुपरलेटिव डिग्री और दो से ज्यादा के लिए क्या करते हैं, दो के लिए कंपरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा के लिए क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आपका टेंशन चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल आसान से। देखो, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्यूशन है। सिमिलरली, तो यहाँ पर बच्चा गलत हो गया, तो कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए क्या लगाओगे, नाउन के लिए क्या लगाओगे बच्चा, एडजेक्टिव लगाओगे। एडजेक्टिव क्या होता है, सिमिलर होता है, तो यहाँ पर होगा सिमिलर टू, ना कि सिमिलरिटी टू, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे वीडियोज मैं लेट नाइट शूट कर रहा हूँ बच्चा, टाइम नहीं मिल पाता दिन में, तो चूंकि बिकॉज ऑफ मैनी क्लासेस, तो इस वजह से आप को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी भाई। मेरा भी मोरल डाउन होगा तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और स्वाभाविक बात, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्लियर। तो इसको जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे बच्चा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, उतनी ज़्यादा मैं बुक्स की एक्सरसाइजेज आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। चलिए, एवरीवन एग्रीज, हर एक व्यक्ति सहमत है, दैट द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल द अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो, एनी है, ऑल है, मोस्ट है, एनी है, ऑल है, मोस्ट है, क्लियर। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इनके साथ क्या लगाते हो, अदर लगाते हो। कब लगाते हो, जब डिग्री कौन सी होती है, कंपरेटिव होती है, ये बात पढ़ते हो। लेकिन बच्चे ये बात ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते कब, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अदर को रिमूव करना पड़ेगा, ऑल के साथ यहाँ पर अदर का यूज नहीं करेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेट्स। भाई कृष्णा है, दौड़ते दौड़ते पास के एक दुकान पर गया है ना, और क्या कह रहा है भाई, बिस्किट लेने के लिए गया, क्योंकि उसके पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेस्ट आने वाले हैं ना, और बचे हुए बिस्किट क्या करेगा, कृष्णा खुद खा जाएगा, है वो इस चक्कर में दौड़ रहा है, ठीक। चलो, तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात अगर समझेंगे हम, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि नियर का जो एडजेक्टिव होता है सर, वो नियर होता है, नियरिंग नहीं होता है, नियर बाय होता है। ऐसे कई एडजेक्टिव हैं जिनको जिनका कई ऐसे वर्ड हैं जिनके जो एडजेक्टिव होते हैं वो फिक्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, डिफरेंट एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, जिसके कारण गड़बड़ हो जाता है, सेंटेंस में प्रॉब्लम आ जाती है ना। जैसे एक आता है पनिस, जैसे एक आता है पनिस, और पनिश का एडजेक्टिव होता है बच्चा क्या, पनिसेबल। पनिश का एडजेक्टिव होता है बच्चा पनिसेबल, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। जैसे स्टीम का एडजेक्टिव क्या होता है, स्टीम का एडजेक्टिव क्या होता है, स्टीम्ड होगा या स्टीमिंग होगा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो नियरिंग नहीं होगा, नियरिंग ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर नाउन हो गया, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है सर, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर नियर का एडजेक्टिव क्या होगा सर, नियर बाय होगा, क्लियर। तो राइट आंसर विल बी नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर, नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, व्हाइल गिविंग अ लोन यू मस्ट चेक, तुम्हें क्या करना चाहिए लोन को देते समय, इफ द बोरोवर, जो बोरोवर है उधार करता हैज सफिशियंटली कोलाट्रल टू रिपे इट, कि उसने पूरी तरीके से इसको पे कर दिया है या नहीं पे किया है। कोलाट्रल का मतलब होता है जमा पूंजी, ये एक नाउन है बच्चा, और नाउन के लिए क्या लगाते हैं बच्चा, एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव सफिशियंटली नहीं होता, सफिशियंट होता है, तो यहाँ पर एल वाई को ड्रॉप कर देंगे और ये बन जाएगा सफिशियंट कोलाट्रल, ये बन जाएगा सफिशियंट कोलाट्रल। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर, बताइए क्या कहना चाह रहा है, ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली, एक बात बताओ, यद्यपि जो उसके स्पीच थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। और स्पीच क्या है सर, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव क्लियर होगा या क्लियरली होगा, तो क्लियर एडजेक्टिव होता है, और जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हो तो बच्चा बनने वाला वर्ड आपका क्या हो जाता है, क्लियरली,
ये जो कि एडवर्ब बन जाता है, क्लियर। तो जब भी किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो बनने वाला वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चा। कह रहा है ही इज़ द मोस्ट, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड, और जैसे एंड लगा वैसे आप सचेत हो जाओ, इसने इसके पहले क्या लिख रखा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट लिख रखा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री लिख रखी है। इसका मतलब है एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो द वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड तो एडजेक्टिव हो गया, वेरी लगा रहा है, तो यहाँ पर वेरी ना हो करके बच्चा क्या लगाओगे, मोस्ट लगाओगे। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, वेरी लगने से तो पॉजिटिव ही बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है कॉलेज का, ये कहना चाह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आपका टेंशन चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, दोषी पाए जाने पर ऑफ द थेफ्ट, चोरी के, सनी वॉज सेंटेंस, सनी को दे दी गई सजा, सुना दी गई। सेंटेंस करने का मतलब सजा सुनाना भी होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, सेंटेंस वर्ब के तरीके यूज करोगे तो इसका मतलब सजा सुनाना होता है। 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, 5 साल की सजा दे दी गई, तो 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट लिखिए ना, एपोस्ट्रॉफी एस क्यों लगा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बनेगा 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, 5 साल की उसको सजा सुना दी गई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है द रेलवेज हैव मेड, रेलवे ने बना दिया है क्रॉसिंग द ट्रैक्स, क्रॉसिंग ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, पनिश का एडजेक्टिव अभी पढ़े थे, पनिशेबल होता है बच्चे, ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पनिशेबल होता है, पनिश्ड नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आर्म्स आर गिवेन टू द पुअर्स, नहीं होगा बच्चा किसी भी एडजेक्टिव का, किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए। पुअर क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसको अगर नाउन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, द पुअर लिखेंगे, और द पुअर से क्या बन जाएगा, द पुअर से बच्चा नाउन बन जाएगा, कैसा नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक चीज़ और समझो, क्या कभी किसी एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट एस या ईएस जोड़ सकते हो, ये देखो जरा, क्या कभी किसी एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट एस या ईएस जोड़ सकते हैं, नहीं भाई बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, इस बात की बिल्कुल